आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। बाहर का तो कुछ नहीं कराया है, हम जा रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो आज आई हुई हूँ मैं ग्राउंड फ्लोर पे। आज के भी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने ग्राउंड फ्लोर से। आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि अल के ब्लॉग में तो सिर्फ प्रॉब्लम्स हो गया था, बट आज का ब्लॉग बहुत अच्छा रहेगा। घर का जो पेंट है, जहाँ जहाँ हमें कराना था, वो पूरा कम्प्लीट हो गया। एक बार मैं आप लोगों को पूरा घर दिखा देती हूँ कि कहाँ पर कैसा हुआ है, हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या कराया। पहले कि रेंट में कोई आए, उनके आने से पहले ही मैं आप लोगों को एक बार पूरा एम्प्टी होम टूर करा देती हूँ ग्राउंड फ्लोर का। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जो आपको ये वाली वॉल दिख रही है ना, ये वाली वॉल पे हमने वाइट कलर करवाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और ये वाली वॉल पे भी कराया है हमने। और जो ये सीढ़ी वाली वॉल है ना, वो पूरी खराब हो गई थी, तो उसको छील के वापस से पेंट कराना पड़ा। तो आप देख सकते हो कि ये वॉल कितनी अच्छी लग रही है। बस यहाँ पर ऊपर में सिर्फ इतना ही पेंट हुआ है। उसके बाद है, करते हैं हम एंट्री। तो गाइज, आप देख सकते हो कि वॉल अभी कुछ इस तरीके से लग रही है। तो ये है हमारा हॉल, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बाइक रखी हुई है, क्योंकि ऊपर भी पेंट हो रहा था ना, तो गंदा हो जाता इसलिए। और यहाँ पे अभी कुछ सामान रखा हुआ है, तो वो सब हम बाद में हटा देंगे। तो ये है कुछ इस तरीके से हॉल। उसके बाद ये वाली जो दीवार है, ये भी पूरी पेंट हो गई है, जो कि आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से लग रही है। अब आते हैं हम फर्स्ट वाले रूम में। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला रूम, जो कि पेंट कराने के बाद अब कुछ इस तरीके से लग रहा है। हैं हम अपने किचन पे। तो किचन भी हो चुका है पेंट। पेंट के कारण वॉल खराब हो गई थी ना, तो वहां पर भी पूरा छील के पेंट कर दिए हैं। तो जिसके बाद से आप देख सकते हो कि किचन कुछ इस तरीके से लग रहा है पेंट होने के बाद। और ये है हमारा पूरा हाउस टूर। वॉशरूम को भी हमने पेंट करा दिया है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये है हमारे बाहर का एरिया, इसे भी हमने वाइट कलर से पेंट करवा दिया है। पूरी वॉल को आप देख सकते हो, पूरी वो लास्ट तक के वॉल है, तो वहाँ तक हमने इसे पेंट करा दिया है। ऊपर है मेरा फ्लोर। तो अब कर देते हैं हम पूरी लाइट ऑफ और घर को कर देते हैं बंद। तो गाइस, चलते हैं ऊपर। और ऊपर जाने के बाद मैं बड़ी वाली न्यूज बताती हूँ, जो सुन के मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं खुश भी हो गई और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज भी हो गई, क्योंकि ऊपर चल के बताती हूँ। पेंट होने के बाद यहाँ सीढ़ी का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि बहुत छीला छीला सा हो गया था, तो पेंट कराना भी ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि नीचे का करा ही रहे हैं, तो ये वाली वॉल भी करवा लेते हैं। बाकी जब ऊपर का होगा तो ऊपर का तो पूरा ही होगा। तो गाइज, मैं आ गई हूँ ऊपर। नीचे का सारा काम हो चुका है, सामान बीच में रखा हुआ है, तो वही बस हटाना पड़ेगा। और जब रेंट में कोई आएगा, उसके पहले ही मैं झाड़ू पोछा कर दूँ। पहले वहाँ पर झाड़ू पोछा करने का तो बनता ही नहीं है, तो डस्ट तो आ ही जाएगी, तो इसीलिए जब कोई आने वाला होगा उसके पहले ही मैं कर दूँगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। एक्चुअली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझसे सिर्फ डिस्कस किया कि हम एनिवर्सरी के समय बाहर चले जाते हैं, तो कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जाने में ज़्यादा टाइम है नहीं। मेरे हस्बैंड ने सडनली कल टिकट भी करवा ली, तो मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। मीन्स तैयारी के नाम पे 0% है, क्योंकि ना ही मैं ऑनलाइन सामान मंगा सकती हूँ अपने लिए, और मुझे जो जो लेना है वो मैं एक दिन में ले ही नहीं पाऊंगी। तो हम जा रहे हैं, मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बट ये है कि आपको 2 या 3 दिन के बाद आपको ट्रैवलिंग व्लॉग फिर से देखने को मिलेगा। और इस बार हम उज्जैन नहीं जा रहे हैं, इस बार हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम पहले भी बहुत बार जा चुके हैं। जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब से मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ, तो हम उज्जैन जाते हैं, सीडी जाते हैं, तो 2 जगह की तो व्लॉग आपने देख ही लिए हैं। अब 3री जगह जब जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ भी हम बहुत बार गए हैं, बट
उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इस बार आप लोगों को वहां का भी ब्लॉग देखने को मिलेगा। सॉरी, मैं जहां पे बैठी थी ना वहां पे लाइटिंग ठीक नहीं आ रही थी। आई थिंक यहाँ पर लाइटिंग ठीक आ रही है, क्योंकि बहुत अंधेरा अंधेरा सा लगता है ना, तो मेरे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा दिखने लग जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे पास तैयारी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मीन्स आप सोच सकते हो कि 2-3 दिन पहले अगर किसी को पता चले कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, ना ही कपड़े लेने जाने का टाइम है, ना ही कपड़े मंगाने का टाइम है। फिर भी कल संडे है, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं कल चली जाऊं, और अगर मेरे को कुछ भी लेना होगा तो मैं लेके आ जाऊं, ताकि आप लोगों को भी मेरे अच्छे अच्छे से व्लॉग देखने को मिले। वेरी हैप्पी कि हमारे ट्रैवलिंग व्लॉग फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, और हमारे व्लॉग में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को भी मेरे अच्छे अच्छे से व्लॉग देखने को मिले। और इसी कारण मुझे आज कपड़े धोने बहुत ज्यादा जरूरी, अगर आज मैं कपड़े नहीं धोती हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन में ही हमें निकलना है। तक हमारा बैग भी नहीं निकला है, कोई तैयारी नहीं हुई है, तो बहुत सडन हमें सब चीज करना पड़े। मैं नहीं, मींस मुझे ही सब कुछ करना पड़े। अभी एक तो पैक करो, फिर आके उसको अनपैक करो।